नमस्ते दोस्तों, सुमित किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल वेनिला केक। रेसिपी शुरू करने के पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। आप हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं भी हमेशा ऐसे ही नए नए रेसिपीज डालते रहूँगी आपके लिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 200 ग्राम शक्कर, 6 अंडे, 140 ग्राम सनफ्लावर ऑयल, टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 से 1.5 टेबलस्पून वैनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे, इससे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये डो मेकर है, मैं इसमें करती हूँ। या तो आप मिक्सर में या विस्कर में या ब्लेंडर में भी कर सकते हो। सबसे पहले हम ये जो हमने अंडे लिए है ये हम इसमें तोड़ के डाल देते हैं। ये जो अंडे का और शक्कर का जो बैटर था वो विस्क करने के बाद डबल हो चुका है। अब हम मैदा और बेकिंग पाउडर 2 से 3 बार छान देते हैं, मतलब कि वो अच्छे से मिक्स होती है, कहीं से मोटा बबल नहीं होता है फिर केक में। ये 1 से 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ली थी, इसको हम छान लेते हैं। 3 से 4 बार हमने बेकिंग पाउडर डाल के ये मैदे को छान लिया है। हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर हमने धीरे धीरे से छानी हुई इसमें डालिए है स्पून से, और 2 से 5 मिनट हमने ये विक्स किया है। अब इसमें मैं ये विनेगर 1.5 चम्मच मैंने लिया था वो डाल दूंगी। 2 सेकंड के लिए इसको चालू करूंगी और उसके बाद मैं ये तेल ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून हमने बटर लिया था वो अब हम ऐड कर देंगे इसमें। तेल है जो हमने लिया था वो तेल भी पूरा ऐड कर देंगे इसमें हम, और 2 मिनट के लिए हम मिक्सर चालू कर देते हैं वापस। बैटर बन चुका है। अब इसमें डालने के लिए केक का मोल्ड लेते हैं हम, जो 65 सेंटीमीटर का मोल्ड है ये। इसमें मैंने नीचे से थोड़ा सा बटर लगा के पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उसके बाद हम थोड़ा सा मैदा डाल के सब तरफ से ऐसा ऐसा घुमा लेंगे। मैदा डाला है हमने जो किनारे किनारे से हम घुमा लेंगे, मतलब कि साइड में हमारा केक चिपकेगा नहीं, और जो एक्सेस मैदा है वो हम निकाल लेंगे और इसमें अब हम ये बैटर डाल लेते हैं। बैटर हम ये पॉट में डाल लेते हैं। इसे ओवन में हम 30 से 40 मिनट तक 160 डिग्री सेल्सियस पे बेक करने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारा केक तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करते हैं। ठंडा हो चुका है, मैंने इसमें एक कट मार के ये पीस निकाला है। देखिए एकदम सॉफ्ट प्लफी और स्पंजी केक बनाया हमारा। सिंपल केक वाली रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।